हेलो बच्चों, मैं हूं हरि ओम दुबे और आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये है मॉडर्न एलजेब्रा या इसको एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा भी कहते हैं। देखो बच्चों, ये टॉपिक प्योर मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ना। यहीं से प्योर मैथ्स की स्टार्टिंग होती है, ये आप समझ लीजिए। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, IIT में एडमिशन लेने के लिए, MSc के लिए, या अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जनरली BSc के सिलेबस में हर जगह ये टॉपिक हमारा रहता ही रहता है। और इस टॉपिक के साथ में खास बात ये है, ये बहुत लॉजिकल होता है और ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है आसानी से। लेकिन मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि ये टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा और आपके दिमाग में उतार दूंगा पूरी तरीके से इसको, मतलब इस टॉपिक से आपको बिल्कुल प्यार हो जाएगा, है ना। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे ये बातें आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएंगी। आप बिल्कुल विश्वास करिए, ये टॉपिक बिल्कुल मैं आपको दिलो दिमाग में उतार दूंगा। हालांकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें पुरानी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी आप परेशान मत होइए। जो जो बातें किसी भी क्लास की यहाँ पर यूज़ होंगी, पुराने किसी भी क्लास की, वो मैं आपको साथ साथ समझाता चलूँगा, है ना। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होना, है ना। जैसे भी जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो तुरंत के तुरंत मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा, है ना। और अगर कोई टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ना हुआ तो मैं आपको अपने दूसरे वीडियो का रेफरेंस दे दूंगा, क्योंकि बेसिक के बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है HD मैथमेटिक्स, है ना। मेरा यूट्यूब चैनल क्या है? HD मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको याद रखिए। इसमें बहुत से टॉपिक मैंने डाले हुए हैं पुराने भी, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक मॉडर्न एलजेब्रा हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, मॉडर्न एलजेब्रा हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। और अभी और भी बहुत सारे टॉपिक नेट के लिए, JRF के लिए, जैम एग्जाम के लिए या BSc MSc के लिए मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी हम लोग मॉडर्न शुरू कर रहे हैं, फिर हम लोग लीनियर पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, टॉपोलॉजी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये सब हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे, है ना। डेली हमारे वीडियोस पर चलेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा कब कौन सा वीडियो हमारा आने वाला है। अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको खुद ही डेली की डेली जानकारी मिलती रहेगी कौन सा टॉपिक मेरा आने वाला है, है ना। और मैं आपको बता दूं, अब आजकल जैसे गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि PGT या TGT टीचर्स के लिए भी निकल रहा है, उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें भी कई बार आपको यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को इससे डर लगता है, लेकिन आपका डर हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाएगा, ये आप विश्वास मान के चलिए। बस थोड़ी देर आप जरा मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। देखो, हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न एलजेब्रा। देखो, मॉडर्न एलजेब्रा में क्या होता है, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप, है ना। ग्रुप क्या होता है, ये बात सबसे पहले हम लोग जरा समझें कि आखिर ग्रुप क्या होता है। देखो, जैसे क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, है ना, इफ GB any set, मान लीजिए ये मेरे पास कोई सेट है और इस सेट पर मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, ठीक है। इस सेट पर मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन ओ ले लिया, मान लीजिए इसको ओ कहें, या कई लोग इसको स्टार भी कहते हैं, कुछ भी आप इसको सिंबल दे देते हैं। अच्छा, कई लोग इसको प्लस या डॉट भी लिख देते हैं, तो ध्यान रखना ये प्लस वो प्लस नहीं है जो हम पढ़ते हैं 2+3=5 वाला, बताऊंगा मैं धीरे धीरे आपको। तो जनरली इसको जीरो या स्टार से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको जीरो से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ओ से, सॉरी जीरो नहीं कहना चाहिए, ये सिंबल है, ओ है, है ना, ओ से रिप्रेजेंट करूंगा। कई लोग इसको स्टार भी लिखते हैं, पर ध्यान दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने पहली लाइन अभी लिखी है और कुछ समस्याएं शुरू हो गई, जैसे GB any set, तो आपको सेट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो परेशान मत होइए, HD मैथमेटिक्स में मैंने सेट का पूरा डिटेल वीडियो डाल रखा है, उसको सेट को आप डिटेल से वहां पर पढ़ सकते हैं। और वैसे शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, सेट के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लें जरा, क्योंकि सेट की जरूरत हर जगह पड़ेगी। जितना भी आप प्योर मैथ्स का पोर्शन पढ़ेंगे, मॉडर्न, एब्स्ट्रैक्ट, लीनियर, है ना, टॉपोलॉजी, जितनी जगह भी आप जाएंगे, कैलकुलस, जहां भी आप जाएंगे वहां पर सेट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेट है, फंक्शंस है, रिलेशंस है, है ना, मैट्रिसेस है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनकी बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए,
ठीक है। और जब भी ये चीजें आएंगी मैं आपको साथ साथ समझाता चलूंगा, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो यहां जाके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको साथ साथ समझाता चलूंगा। देखो जैसे सेट क्या होता है, ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए हम लोग बहुत, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है ना, तो ये तीन मार्कर हैं और भी ज्यादा हो सकते थे, तो ये मार्कर का एक कलेक्शन है ना। जैसे आपके पास बुक्स हो सकती हैं तो बुक्स का कलेक्शन है ना। तो फॉर एग्जांपल आपके घर में पंखे लगे हुए हैं है ना, फैन, तो इसका मतलब ये आपके पंखों का कलेक्शन है। अब होता क्या है, कलेक्शन का मतलब कई चीजों को इकट्ठा कर लिया तो कलेक्शन हो गया है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सी भीड़ इकट्ठा है तो इंसानों का कलेक्शन हो गया, क्लास में बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स का कलेक्शन हो गया। तो कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि कई चीजें इकट्ठा हो गई तो वहां पर कलेक्शन हो गया, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। देखो अब ध्यान रखना कि अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है और इसके एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो इस कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं, ठीक है, बात क्लियर हुई। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है और इसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग यहाँ पर सेट कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो सेट की डेफिनेशन क्या हो गई, लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होने चाहिए और ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो देखो हमने बताया ग्रुप में पहली लाइन लिखते ही दो चीजें आ गई, सेट और एक टर्म आया बाइनरी ऑपरेशन। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले ऑपरेशन समझाऊंगा फिर मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन समझाऊंगा। ऑपरेशन का मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन आप मत समझना यहाँ पर, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ना, मतलब ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या, वेल डिफाइंड का मतलब ये कि ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में सब लोगों की ओपिनियन सेम रहे, है ना, मतलब उसके बारे में लोगों की अपनी अलग अलग राय नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों की राय, सभी लोगों की ओपिनियन उसके बारे में सेम होनी चाहिए। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा गया कि भाई ऐसा है हरिओम जी कि ऐसे बच्चों का कलेक्शन बताइए जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने सारे स्टूडेंट्स के नाम ले लूँगा कि भाई देखो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है। लेकिन यही बात किसी और टीचर से पूछी जाएगी कि ऐसा कलेक्शन बताइए जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है, तो वो अपने स्टूडेंट का नाम ले लेगा, है ना। तो जब ये बात या किसी पर्सन से पूछोगे तो अपने बच्चों का नाम ले लेगा, भाई मेरे दो बच्चे हैं दोनों की मैथ्स बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। तो अब ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो गया, मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग है, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरे टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स हैं, किसी पर्सन के लिए उसके बच्चे हैं, है ना। तो ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों के बदलने के साथ साथ, ठीक है, उनकी ओपिनियन उनकी राय बदल रही है, है ना। तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथ्स, यानी ऐसे बच्चों का कलेक्शन जो मैथ्स में अच्छे हैं, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चों का कलेक्शन जो मैथ्स में अच्छे हैं या कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथ्स इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो ये सेट भी नहीं हुआ, क्योंकि सेट उसी को तो बोलेंगे ना जो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो अच्छा एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि ऐसे बैट्समैन, क्रिकेट जानते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्समैन तो जानते ही होंगे, तो ऐसे बैट्समैन जो अच्छे हैं, तो अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया इंडियन से,
तो वो क्या बोलेंगे, अरे कहेंगे भाई ऐसा है, सचिन अच्छा है, विराट कोहली अच्छा है, धोनी अच्छा है, राहुल द्रविड़ भी अच्छा था, ठीक है, सौरभ गांगुली भी अच्छा है, इन सब के बारे में बात करें। गावस्कर तो सबसे अच्छा था, कपिल देव भी अच्छा था, अजरुद्दीन भी अच्छा था, जडेजा भी अच्छा था, इनकी बात करेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऑस्ट्रेलियन से पूछा जाएगा तो अपने क्रिकेटर के नाम लेंगे, वो कहेंगे अरे भाई रिकी पॉन्टिंग की क्या बात है, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, है ना, स्मिथ, ठीक है, तो वो लोग इनके नाम लेंगे, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉन, इनके नाम लेंगे, ये लोग बड़े अच्छे। तो क्या हुआ, ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ, है ना, ऐसे क्रिकेटर्स का कलेक्शन जो अच्छे हैं ये वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि इसके मेंबर बदलते जा रहे हैं, है ना। अब देखो, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स का कलेक्शन, तो अब इस पर लोगों की राय अलग अलग नहीं होगी, इस पर सबकी राय एक जैसी है, कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये कलेक्शन क्या हो गया बोलो, वेल डिफाइंड, क्योंकि दुनिया के किसी भी आदमी से आप पूछेंगे कि वॉवल्स का कलेक्शन बताइए तो वो यही पांच बताएगा, कौन से, ए ई आई ओ यू। तो ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड, और इसके मेंबर देखो अलग अलग है, ए ई आई ओ यू, है ना, तो इसका मतलब ये कलेक्शन कैसा हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, इसलिए ये एक सेट भी हो गया। तो क्या हुआ बोलो, ए ई आई ओ यू, है ना। अब देखो हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया, इसके पांच एलिमेंट्स हैं, ये इसके मेंबर्स भी कहते हैं इसको ना, ए ई आई ओ यू, ये इस सेट, सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कैपिटल से। और ध्यान रखना सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिखे हम, किसी भी एलिमेंट को हम कहीं भी लिखे सेट नहीं बदलेगा, सेट में मतलब ऐसा नहीं है कि ए पहले आएगा, ये कुछ नहीं, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये दोनों सेम सेट हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये, सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, जैसे ए ए दो बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे ए ए ई ई, ये दो दो बार तीन तीन बार नहीं लिख सकते, हर एलिमेंट एक ही एक बार आएगा, ठीक है, बात ध्यान रखनी है। तो ये सेट हो गया, सेट को देखो इस टाइप के ब्रैकेट्स के साथ में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड, इसको कहते हैं टेबुलर मेथड, या इसी को हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, है ना, इस मेथड से अगर हम इसको लिखें। अब देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज वॉवल, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सच दैट का यूज करके भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, या प्रॉपर्टी मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, या इसी को हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, है ना। तो इसमें x को लिखते हैं और सच दैट करके उसकी प्रॉपर्टी बता देते हैं कि आखिर चाहते क्या है, x लिखें या y भी लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, है ना, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बता दो, सच दैट, है ना, ये सिंबल किसका है, सच दैट का सिंबल है, ध्यान रखना। तो इस मेथड से भी हम सेट को लिख सकते हैं और इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। और जैसे हम लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि भाई सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, तो ये हो गया लैंग्वेज मेथड, है ना, कि भाई भाषा में बोल दिया, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, कैसे ही बोले। अच्छा, ये मेथड ज्यादा यूज होता है, ध्यान देना सेट का, क्योंकि इसमें कम में अपनी ज्यादा बात को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को रिप्रेजेंट करना है, हमें पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का सेट चाहिए, तो ये मेथड कहेगा उन सबके नाम लिखकर बताइए, उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, हमारे जो 25-30 करोड़ लोग रहते हैं, तो सबके नाम लिखना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये अपनी बात को आसानी से समझा देगा। ये क्या कहेगा, x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू यूपी, है ना, एक ऐसा आदमी जो यूपी में रहता है ना, x सच दैट x लिव इन यूपी, बात खत्म हो गई। तो ये एक लाइन में अपनी बात को खत्म कर देगा, ऐसे लोग चाहिए हैं जो यूपी में रहते हैं। तो इसीलिए ये जो अपना मेथड होता है, ये कम स्पेस में अपनी ज्यादा बड़ी बात को बोल देता है, ठीक है बच्चों। तो जरा इसको फटाफट लिख लो, है ना, इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट लिख लिया करो, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि ये ऐसे टर्म हैं जिनका सामना आपको यहाँ हर दिन करना है, ठीक है, हर समय करना, इनके बिना बात ही नहीं बननी है। मान लीजिए ये जो सेट थ्योरी हम लोग 11 क्लास में या 10 क्लास में समझाई जाती थी, जिसको हम छोड़ देते थे, अब यहाँ पर उसका बहुत यूज़ है,
हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि 12th या 10th में भी इसको बहुत ज़्यादा वेटेज बोर्ड वाले भी नहीं देते हैं, इसके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्योंकि लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया, मैं आपको बता दूंगा ठीक ठाक साथ साथ बता दूंगा, लेकिन अगर आपको फिर भी मन करता है कि मैं बहुत डिटेल से पढ़ना चाहता हूँ तो यहाँ पर सेट्स के HD मैथमेटिक्स में, ठीक है, सेट्स के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, डिटेल वीडियो पड़े हुए हैं, और आप वहाँ पर पढ़िए। इसको लिखिए जल्दी से, मैं रब करके फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। लिखा सबने, फटाक से लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझ लें, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन को समझें, क्या क्रिया ऑपरेशन क्या है, बोलो। ऑपरेशन का मतलब तुम समझ रहे होगे, अरे यार हमारे चाचा का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, वो ऑपरेशन नहीं है। देखो ऐसा होता है, इसको मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। वैसे ऑपरेशन की भी अपनी एक मैथमेटिकल डेफिनीशन है, और वो डेफिनीशन थोड़ी मुश्किल है, मतलब मैं अभी लिखूंगा, वो डेफिनेशन ऐसी है कि मैं लिखूंगा आपको, अरे सर ये क्या लिख दिया, ये तो किताबों में वैसे भी लिखी हुई है, फिर आप क्या कर रहे हो। तो ये बड़ी दिक्कत है, मतलब मैथ्स की जो भाषा है वो टफ है, उस भाषा को समझने के लिए थोड़ा कुछ और समझना पड़ता है, तो इसलिए टॉपिक मुश्किल लगते हैं। परेशान मत होइए, सब समझ में आएगा, मैं हूं ना, ठीक है। देखिए ध्यान दो, जैसे ऑपरेशन शब्द को पहले समझे, देखो क्या होता है, जैसे मैथ्स हम पढ़ते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम आते हैं। सिस्टम मतलब जो चीज़ें यूज करते हैं। देखो जैसे हम रियल नंबर यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1/2, 1/4, √2, √3, सब क्या है, रियल नंबर जानते हैं ना। रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं, इरेशनल, सारे टाइप के नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अभी मैं जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा आगे चल के। इतना वैसे आप जानते होंगे कि 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, 1/2, 1/3, पॉइंट्स वाले 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है, √2, √3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। इस टाइप के नंबर अंडर रूट के अंदर निगेटिव, ये रियल नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रखिए। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इमेजनरी। अभी इनकी जरूरत भी पड़ेगी, परेशान मत होइए। √-2, √-3, √-4, ये सब क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर, ये रियल नहीं होते हैं। हाँ ध्यान देना, −√2 ये रियल है, ध्यान देना ये रियल है, इसमें फर्क है, ये इमेजनरी है। अंडर रूट के अंदर निगेटिव है तो इमेजनरी, रूट के बाहर निगेटिव है तो वो रियल है ना। तो इस टाइप के सारे नंबर क्या होते हैं, बोलो, रियल होते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं, निगेटिव वाले हो गए, फ्रैक्शन वाले हो गए, पॉइंट्स वाले हो गए, अंडर रूट वाले हो गए, इस टाइप के आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इन्फिनिटी तक जाने वाले पॉइंट्स होते हैं, तो हाँ इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। जरूरत पड़ेगी तो आपको बता दूंगा डिटेल से, वैसे आप इतना जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, बोलो, रियल नंबर होते हैं। तो जैसे रियल नंबर का एक सिस्टम हो गया, जिनको हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं। अच्छा, एक सिस्टम हो गया इमेजनरी नंबर का, इनको भी हम मैथ्स में यूज करते हैं। तो रियल नंबर का एक अलग सिस्टम है, इमेजनरी नंबर का एक अलग सिस्टम है। जैसे वेक्टर हो गया, वेक्टर का एक अलग सिस्टम है। मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स का एक अलग सिस्टम है। सेट हो गया, सेट का एक अलग सिस्टम है। देखो सिस्टम से मतलब क्या है, कि हर सिस्टम को संभालने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। जैसे कि मान लीजिए रियल नंबर है, तो हम रियल नंबर में दो रियल नंबर को प्लस कर सकते हैं, दो रियल नंबर को माइनस कर सकते हैं, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो रियल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या होगा, ये होगा रियल नंबर के ऑपरेशन, क्योंकि रियल नंबर में इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे अपने सेट्स की अगर थोड़ी आपको जानकारी हो, जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो हम सेट का यूनियन ले सकते हैं, सेट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं, सेट में ए माइनस बी कर सकते हैं, सेट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई मतलब इसको बोलते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट, है ना, मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, इसका नाम सेट में होता है कार्टीजियन प्रोडक्ट। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, सेट में कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, दो सेट का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब डिवीजन जो है, ये सेट का ऑपरेशन नहीं है, है ना। सेट में, अब देखो सेट में यूनियन ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन रियल नंबर में नहीं है। आप 2, 3 का यूनियन नहीं ले सकते, आप 2 यूनियन 3 नहीं कर सकते। हाँ ऐसा कर सकते हैं, सेट के अंदर 2 रखें और सेट के अंदर 3 रखें, तब आप उनका यूनियन ले सकते हैं,
है ना। तो अदरवाइज रियल नंबर में आप दो रियल नंबर का डायरेक्ट यूनियन नहीं ले सकते, उनको सेट के अंदर लेकर के उनका यूनियन इंटरसेक्शन ले सकते हैं ना। तो जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन ये क्या है बोलो, सेट्स के ऑपरेशन है, रियल नंबर्स के देखो ये ऑपरेशन नहीं है। अच्छा अब आप याद करिए, जैसे वेक्टर हो गया तो दो वेक्टर को आप प्लस कर सकते हैं, दो वेक्टर को आप माइनस कर सकते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब वेक्टर के मल्टीप्लाई के दो तरीके होते हैं, पढ़ा होगा आपने, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये खास बात केवल वेक्टर के पास ही है, मतलब वेक्टर में मल्टीप्लाई के दो ऑपरेशन है, है ना, एक हो गया डॉट प्रोडक्ट और एक क्या हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ दो वेक्टर को भी डिवाइड नहीं कर सकते, ए वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर आपने नहीं पढ़ा होगा आज तक, कभी भी ना पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा हम आ जाएं मैट्रिक्स पर, मैट्रिक्स एक अलग सिस्टम है, दो मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन दो मैट्रिक्स को डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग सिस्टम को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम इंडियन हैं तो हम लोगों के नियम कानून अलग हैं, है ना। हम लोग जनरली वेजिटेरियन होते हैं, कई लोग नॉन वेज भी खाते हैं, लेकिन नॉन वेज का मतलब वो जिंदा कीड़े मकोड़े नहीं खाते, लेकिन कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ जिंदा कीड़े मकोड़े भी लोग खा लेते हैं, ठीक है ना। तो खैर जाने दीजिए, तो ये वही नियम कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, कि ऑपरेशन का मतलब उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, तो वो मैथ में ही बनाए गए। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिया, अब आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो ऑपरेशन जो है वो हर सिस्टम का अलग अलग है, जैसे रियल नंबर के अपने कुछ ऑपरेशन हैं। जैसे देखो हम दो रियल नंबर का एलसीएम निकालते हैं, याद है ना, एलसीएम, एचसीएफ भी निकालते हैं, तो वो क्या है, वो रियल नंबर के ऑपरेशन हैं एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन आपने कभी दो सेट का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाला होगा, आपने कभी दो वेक्टर का एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाला होगा, आपने कभी दो मैट्रिक्स का एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाला होगा। तो इसका मतलब वो ऑपरेशन एलसीएम और एचसीएफ वाला केवल रियल नंबर में है। तो ये ऑपरेशन का मतलब उस सिस्टम के कुछ नियम कानून, तो उनको हम ऑपरेशन कहते हैं, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब ऑपरेशन में भी यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब हम आंसर निकालें, जैसे कि मान लो हमने 2 और 3 को ऐड किया तो क्या आया 5, 5 क्या है आंसर, किसका आंसर, प्लस का। जैसे 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 क्या हो गया, माइनस का आंसर, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो ये जो आंसर्स आते हैं ये आंसर भी उसी सिस्टम में जाने चाहिए जिस सिस्टम से एलिमेंट्स को लिया गया। जैसे कि मान लीजिए दो रियल नंबर अगर हम लें और उनको प्लस करें तो जो आंसर आएगा वो हमेशा ही रियल नंबर आएगा। सोचो कोई भी दो रियल नंबर प्लस कर लो और उसका आंसर निकालो तो हमेशा ही रियल आएगा। तो इसका मतलब जो प्लस है वो रियल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है, जो प्लस है वो रियल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि दो रियल नंबर को प्लस करने पर आंसर हमेशा ही रियल नंबर आता है। अच्छा माइनस करें, मान लीजिए दो रियल नंबर को माइनस करें तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो फिर से रियल नंबर होगा। आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनको अगर आप माइनस करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब माइनस का जो ऑपरेशन है वो भी रियल नंबर पर कैसा है बोलो, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो हर ऑपरेशन बाइनरी नहीं होता, कई ऑपरेशन ऐसे हैं जो बाइनरी होते हैं, कई नहीं भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप वेक्टर की बात करें, जब आप दो वेक्टर का, मान लीजिए जब आप दो वेक्टर लेते हैं और दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर स्केलर आता है, तो ए डॉट बी का आंसर क्या आता है, स्केलर, मतलब वो आंसर वेक्टर नहीं आता। इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है ये वेक्टर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर वेक्टर नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये वेक्टर का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर में बाइनरी ऑपरेशन हो गया, आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए हम नेचुरल नंबर लें, अब नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आता है, ठीक है। अगर आप दो नेचुरल नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर पर प्लस ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अगर हम मान लीजिए माइनस लें तो दो नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आंसर नेचुरल नंबर हो। इसका मतलब जो माइनस है
ये नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार मान लो मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई जो है ये नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा ही नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन डिवीजन जो है वो फिर से एक बार नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.5, और 1.5 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब प्लस नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस नहीं है। मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है, डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा आप ध्यान रखिए, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब जहां से एलिमेंट लिए जा रहे हैं, मतलब अब ऐसे नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं तो एलिमेंट्स यहीं से ले रहे हैं, तो आंसर भी इसी में जाना चाहिए। जैसे वेक्टर का सेट ले रहे हैं तो आंसर वेक्टर में गया तब तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, और अगर आंसर वेक्टर के बाहर निकल गया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हर एक ऑपरेशन हर सेट पर बाइनरी होगा या नहीं होगा ये हम मालूम कर सकते हैं, है ना। इसको हम मालूम कर सकते हैं कौन सा ऑपरेशन हमारा बाइनरी होता है, कौन सा ऑपरेशन हमारा बाइनरी नहीं होता है। बात समझ में आ गई, बोलो पक्का ना, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना, बोलो पक्का। दिमाग में बात बैठेगी, ध्यान रखना, ये मेरा वादा है आपसे। लिखो जल्दी, इसको मिटाता हूँ फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखो अब ये देखें आखिर हमारे सेट की, सॉरी हमारे ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। ग्रुप की हमारे क्या डेफिनेशन होती है, तो मैंने क्या बताया, ग्रुप के लिए क्या चाहिए, ग्रुप के लिए आपको एक सेट चाहिए, सेट कोई भी हो सकता है, और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, कई किताबों में स्टार भी दिया रहता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, इफ जी वी एनी सेट, ठीक है, एंड स्टार बी ओ बी बाइनरी ऑपरेशन, हमने बाइनरी ऑपरेशन ओ ले लिया, ठीक है। देन अब देखो इसको एक साथ लिखें जी कॉमा ओ ऐसे करके, तो इसको बोल दिया जाता है एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एलजेब्रिक स्ट्रक्चर कह देते हैं इस चीज को। मतलब सेट के साथ में अगर उसका हम बाइनरी ऑपरेशन लिख दें तो उसको बोल देते हैं एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। देन दिस एलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए ग्रुप, है ना। तो इस एलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप कहेंगे, है ना। ग्रुप का मतलब बेसिकली एक प्रकार का सेट है, लेकिन उसके साथ में उसका एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रुप कहेंगे अगर कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो हो जाए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को एक्सियम्स बोलते हैं, क्लोजर एक्सियम्स, है ना। एक्सियम का मतलब रूल्स रेगुलेशन या प्रॉपर्टी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे उनके लिखने के तरीके थे एक्सियम्स, ठीक है, क्लोजर एक्सियम्स। अच्छा क्लोजर एक्सियम वही है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, क्लोजर एक्सियम का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो अगर हम बाइनरी ऑपरेशन यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ही होता है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम का मतलब कि हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट में जाना चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं क्लोजर एक्सियम। मतलब इसको देखो मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि अगर ए और बी ये दो एलिमेंट ले लिए सेट के, बिलोंग्स का मतलब ये दो सेट के एलिमेंट हैं, ये सिंबल किसका होता है, बोलो बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, ये दोनों क्या है, बोलो जी के एलिमेंट हैं, जी के मेंबर हैं। जैसे 1 और 2 हमने देखा नेचुरल नंबर के मेंबर होते हैं, तो 1 और 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अगर ए और बी जी में है तो उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी जी में आना चाहिए। देखो ए ओ बी का मतलब उनको हमने ऑपरेशन लगाया बीच में, ऑपरेशन लगा के जो उसका आंसर आएगा वो भी जी में ही जाना चाहिए, जी के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी को हम कहते हैं क्लोजर एक्सियम। एक्चुअली ये वही बाइनरी ऑपरेशन का ही एक दूसरा नाम हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि कई बार कई किताबें क्या होती है ना, बाइनरी ऑपरेशन शब्द यूज ही नहीं करती हैं, वो सीधे सीधे एलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करती हैं,
अच्छा एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आगे पढ़ेंगे प्योर मैथ्स के टॉपिक, इनकी किताबों में बहुत वेरिएशन है। एक किताब पढ़ोगे उसमें कुछ अलग लिखा है, दूसरी किताब पढ़ोगे उसमें टोटली अलग लिखा है, तीसरी पढ़ोगे उसमें कह रहे हैं क्या फंस गया हूँ। तो वो सब चीज़ें हमको समझ में आएंगी, लेकिन पहले एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें। अगर हम पहले एक बात को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो वो सारी किताबें जो हैं वो उनकी लैंग्वेज टफ जरूर है, लेकिन जब हम सीख लेंगे ना, तो वो सारी किताबों की लैंग्वेज हमको समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे करके, है ना। वो अलग नहीं है, वो थोड़ा सा वो लोग पैटर्न चेंज करते हैं, हमें लगता है कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, जैसे कि मैंने मॉडल अलजेब्रा की शुरुआत देखो ग्रुप से करी है, कई लोग इसकी शुरुआत अलग तरीकों से करते हैं, वो चीज़ें सब आएंगी, आगे पीछे आ सकती हैं, लेकिन सबका अपना अपना सीक्वेंस है। तो मेरी नज़रों में जो मुझे बेस्ट सीक्वेंस लगता है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या बताया, पहली प्रॉपर्टी क्या है ग्रुप होने की, क्लोजर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम सुना है पहले आप लोगों ने, सुना जरूर होगा आप लोगों नाम इसका, ठीक है, बोलो सुना है कि नहीं, एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम ए बी सी ये तीन एलिमेंट सेट जी के ले लें, तो ए ओ बी ओ सी इक्वल टू होना चाहिए ए ओ बी ओ सी के। ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट अगर हम जी के ले लें सेट के, तो ऐसा होना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई इसका क्या मतलब, देखो इसका मतलब कुछ नहीं है कि तीन एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, बस ब्रैकेट बदलना है, ब्रैकेट जैसे पहले वो ब्रैकेट इन दोनों के बीच था, इन दोनों के बीच का मतलब पहले इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको ए से ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पर पहले ए और बी को ऑपरेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको सी से ऑपरेट करेंगे, ध्यान दो, है ना। तो बस ब्रैकेट बदला है कि मतलब इसका और इसका आंसर सेम आ जाना चाहिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल लेके, जैसे कि मान लो प्लस है, अब प्लस जो है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता, माइनस नहीं करता। मान लो तीन एलिमेंट ले लें, जैसे कि मान लो अगर हम तीन एलिमेंट ले लें, ठीक है, टू माइनस थ्री माइनस फोर, और यहाँ ले लें टू माइनस थ्री माइनस फोर, देखो यहाँ पर ब्रैकेट इन दोनों के बीच में है और यहाँ ब्रैकेट इन दोनों के बीच में, इसका रिजल्ट देखो क्या आएगा, ये क्या हो गया माइनस वन, तो टू प्लस वन, देखो ये थ्री आंसर आया इसका, क्योंकि ये माइनस वन हुआ और प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा माइनस वन और माइनस फोर, इसका आंसर देखो माइनस फाइव आएगा। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो मतलब माइनस जो है वो एसोसिएटिव को पूरा नहीं करता लेकिन प्लस करेगा। अगर यहाँ पर मैं माइनस की जगह प्लस ले लूँ, दोनों चीज़ें बराबर आ जाएंगी, तो प्लस जो है वो एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, माइनस नहीं करेगा। ऐसे हर ऑपरेशन के लिए ये बात चेक की जा सकती है। मैट्रिक्स आपको याद होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है तो, है ना। अब मैं बड़े बड़े टर्म थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, परेशान मत होना, अभी सब आएगा। फंक्शंस का कंपोजिशन, फंक्शंस का कंपोजिशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके, परेशान मत होना, अगर आपको ये टर्म नहीं समझ में आए तो परेशान मत होइएगा, ठीक है, समझाऊंगा, सब समझ में आएगा, रुक जाओ। अच्छा तीसरा क्या है, देखो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन जी, मतलब जो आइडेंटिटी है वो उसी सेट में आनी चाहिए। अब आप कहोगे यार ये कहाँ से नई टर्म आ गई आइडेंटिटी, देखो समझाऊंगा इसको भी, है ना। तो थोड़ा मैं ऊपर देखो मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं आपको। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ आइडेंटिटी का मतलब आखिर क्या होता है, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। ये नाम भी आप लोग समझ गए ना, मॉडर्न शुरू हो रहा है और ये एच डी मैथमेटिक्स हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिसपे आपके वीडियो सब पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसको अगर हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ में ऑपरेट करें तो आंसर वही आए जो दूसरा है। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, परेशान मत हो। देखो जैसे मान लीजिए अगर हम प्लस ऑपरेशन लें, ठीक है, और टू प्लस जीरो करें तो आंसर क्या आएगा टू, थ्री प्लस जीरो करें तो आंसर क्या आएगा थ्री, फोर प्लस जीरो करें तो आंसर क्या आएगा फोर, मतलब जीरो को
जब भी दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ में आप प्लस कर रहे हो तो आंसर वही दूसरा वाला एलिमेंट आ रहा है ना। तो इसका मतलब जीरो जो है ये प्लस के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। जीरो मतलब वो एक्चुअल जीरो, जीरो वन टू थ्री वाला जीरो हम बता रहे हैं ना। जीरो का मतलब ये वाला जीरो नहीं, तो ओ है। ओ का मतलब क्या है? ऑपरेशन, ठीक है। तो जीरो जो है ये प्लस के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा, क्योंकि जीरो को जब भी हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ में प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा वही दूसरा एलिमेंट ही आएगा। बात समझे? अच्छा, और देखो, अगर हम जीरो को लेफ्ट में लिखें तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, समझिए। मतलब जीरो को राइट में ऑपरेट करें या जीरो को लेफ्ट में ऑपरेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। इसी प्रकार अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में क्या होता, वन देखो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि वन को हम किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही दूसरा वाला एलिमेंट आता है। तो इसका मतलब वन क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो है ये उस ऑपरेशन पर डिपेंड करती है। आइडेंटिटी का मतलब ऐसा एलिमेंट जो दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट हो तो आंसर वही दूसरा वाला एलिमेंट आना चाहिए। तो इसको देखो मैथमेटिक्स में ऐसे हम लिखेंगे कि ए ओ ई, ई मतलब आइडेंटिटी, इक्वल टू ए, एंड ई ओ ए इक्वल टू ए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और ए क्या है? ए है जी का एलिमेंट, और ई जो है ये भी जी में होना चाहिए। मतलब ऐसा एक एलिमेंट मिले जिसको हम जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया ए, ऑपरेट करें तो आंसर वही आए, है ना। तो ई को क्या बोला जाता है बोलो? ई को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को क्या बोलते हैं बोलो? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं यहाँ पर, है ना। ई कैसा एलिमेंट है? इसको जब भी हम दूसरे एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करेंगे, चाहे राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें, तो हमेशा आंसर वही दूसरा वाला आना चाहिए। ओ क्या है? हमारा ऑपरेशन। और ध्यान देना, ये ई जो है मतलब आइडेंटिटी, ये उस सेट में आनी चाहिए। आइडेंटिटी जो है ना उस सेट के अंदर आनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर हम नेचुरल नंबर लें, तो नेचुरल नंबर में प्लस ले मान लीजिए। अब हमने देखा प्लस की आइडेंटिटी जीरो होती है, लेकिन देखो जीरो जो है ना वो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, है ना। तो जीरो प्लस की आइडेंटिटी है जरूर, लेकिन प्लस जो है ये नेचुरल नंबर के सेट से बाहर चला जाता है, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, आइडेंटिटी जो है वो जी में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब होता है आइडेंटिटी। अभी हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे इसके, है ना। हमारे चैनल की खास बात यही है कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा और बिल्कुल दिमाग में बात को उतार दूंगा, चाहे वो कितनी भी टफ क्यों ना हो। तो थोड़ा सा ध्यान रख करके पेशेंस के साथ में आप पढ़ना शुरू करिए, सब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, खासतौर पर प्योर मैथ से तो आपको 100% प्यार हो जाएगा। अप्लाइड मैथ मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली जो मैथ होती है ना, वो तो लोग समझते ही हैं, प्योर मैथ ही नहीं समझ में आती लोगों को, तो वो आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान। तो पहला क्या है? क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिटी जो है वो सारे एलिमेंट की सेम रहती है, ध्यान रखना। मतलब आइडेंटिटी बदलती नहीं है, एलिमेंट्स जो भी लें, एक ही जगह दूसरा एलिमेंट ले लें तब भी आइडेंटिटी यही रहेगी। आइडेंटिटी जो है हमेशा यूनिक होती है, मतलब अकेली आइडेंटिटी होती है, दूसरी आइडेंटिटी नहीं होती है, ध्यान रखना। चौथा क्या होता है? देखो इनवर्स, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सिस्ट्स। मतलब जो इनवर्स है वो हर एलिमेंट का होना चाहिए और जी में ही होना चाहिए। अब देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो इनवर्स का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो मैंने ए और बी दो एलिमेंट्स ले लिए जी के, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऑपरेट करूं और आंसर ई आ जाए, मतलब ए को बी से ऑपरेट करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए,
है ना। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, मतलब ये जो हमारे ए और बी हैं ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए, है ना। मतलब दो ऐसे एलिमेंट जिनको आपस में अगर हम ऑपरेट करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। और आइडेंटिटी क्या होगा ये हम पहले से पहचान लेंगे, आइडेंटिटी पहले से पहचान के रखनी पड़ेगी आखिर इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है ना। देखो जैसे जैसे हमने मान लो प्लस ऑपरेशन लिया, अब प्लस में हम जानते हैं जीरो क्या होता, आइडेंटिटी होता है। अब मान लो अगर हम 2 में माइनस 2 जोड़े तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो 2 और माइनस 2 एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स हो गए प्लस के लिए, प्लस के लिए ध्यान रखना। या जैसे कि मान लीजिए अगर हम 3 में माइनस 3 जोड़े तो आंसर फिर जीरो आएगा, आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। जीरो मतलब आइडेंटिटी, देखो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब ई आना चाहिए। ए और बी क्या है, कोई भी दो एलिमेंट्स। तो ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बोलो इनवर्स हो जाएंगे। जैसे देखो 2 और माइनस 2 इनवर्स हैं प्लस के लिए, 3 और माइनस 3 इनवर्सेस हैं, एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, किसके लिए, प्लस के लिए, ठीक है। 3 का इनवर्स माइनस 3 प्लस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। 2 का इनवर्स माइनस 2 और माइनस 2 का इनवर्स 2 प्लस ऑपरेशन के लिए। इनवर्स जो है ना ये ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा, ये बात ध्यान दीजिए। और उससे भी पहले हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। तो जीरो क्या है, बोलो जीरो होती है प्लस की आइडेंटिटी। इसी प्रकार हमने देखा था कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, वन। जैसे कि अगर हम 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, वन। अब देखो यहाँ ऑपरेशन हम मल्टीप्लाई का ले रहे हैं और आइडेंटिटी क्या है, वन। तो 2 का इनवर्स 1/2 और 1/2 का इनवर्स 2। तो 2 और 1/2 एक दूसरे के इनवर्स हैं, किसके लिए, मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, आइडेंटिटी। तो बच्चों अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स अभी और समझाऊंगा। तो ये चार प्रॉपर्टी होती हैं, इसमें और भी कई सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पर रोकता हूं, अगले लेक्चर में इसके आगे की बातें करेंगे। परेशान नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, मैं हूं ना, ठीक है बच्चों, ओके बाय।